देखिए उलमा की बातें और उलमा के फ़तवा तो चलते रहते हैं शख्सियात के बाद अमाल पर फतवे चलते रहते हैं इसकी वजह से जो हमारे यहाँ है ना कि निगाहों से गिर जाते हैं लोग निगाह लोगों को गुमराह कहना शुरू करते हैं हमारे तबलीग वाले पाँच सात साल पहले तक मोाना साज साहब की जो है वो जुतियाँ उठाते थे अब उनको गुमराह करार, करार देना शुरू करते हैं एक फ़त्वे की वजह से हालाँकि वह इलमी मसाइल है तो ठीक है फतवे होंगे फतवे तो हर आदमी के ऊपर है मुफ्ती तो उस्मानी साहब के ऊपर हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा के फतवे के जी ये सूद का काम करते हैं यानी जो इस्लामी बंकार इसको कुछ लोगों ने सूद करार दे दिया तो ये तो उलमा के आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है फतवे चलते रहते और हर ज़माने में चलते रहते इसकी वजह से किसी शख्सियत की निगाह से गिराना उसकी इलमी और उसकी दीनी खिदमात को गिराना ये बिल्कुल भी सही अमल नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पता चला कि यह जो मुनाफिकीन का सरदार है उसने कहा लयु जन्नल आज़ुमिनज़ल हम इज्ज़त वाले हैं सहाबा सारे जलीले हैं हम इनको निकाल देंगे पक्का मुनाफिक था अब्दालतुमर ने फरमाया कि यारसोल्ला मैं इसे कत्ल कर दूँ आपने फ़रमाया कि नहीं मैं इसे कत्ल नहीं करवाऊँगा क्यों क्योंकि दुनिया में ये बात फैलेगी इन महमद यकतलू अब कि मोहम्मद अपने साथियों को कतल करता रहता हालांकि मुनाफिक था कुरान ने भी उसको मुनाफिक करार दिया और उसको अदर के असल में करार दिया लेकिन हजूब ने कतल नहीं किया है क्यों ताकि दुनिया में बदनामी ना आज हम तबलीग वाले एक दूसरे के पीछे लगे हुए कि जी वो गुमराह फिरका है और वो हक वाला फ़िरक़ा है शूरा वाले हक पर हैं और अमारत वाले जो बातिल है बादलिल पर हैं अमारत वाले कहते हैं शूरा वाले बादल पर हैं ये कौन सा आमदीन की खिदमत कर रहे हैं एक आदमी के बारे में ज़रा से में कोई बात मालूम होती है जुल्फ़ार साहब ने क्या कुछ नहीं किया अल्लाह ने उनसे कौन सा काम नहीं लिया हम उनके पीछे लग गए कि जी इनके ऊपर फतवा किया जमील साहब के पीछे लग जाते हैं सलमान नदवी साहब के पीछे लग जाते हैं ये मामूली मामूली बातों पर मैंने किसी से सुना था और अपनी ज़ाती तजर्बा भी मेरा है कि हम दीनदारों का तबका दुनिया का ालिम तरीन तबका है हमारे यहाँ किसी इंसान की गलती की कोई भी माफ़ी नहीं है जो एक मरतब गलत कर गया वो जहनमी हो गया वो जूते के नीचे के काबिल हो गया कल तक वो सर्प के ऊपर बिठाने के काबिल होता है फिर हम जूते के नीचे कर देते हैं ये गलत रवैया है इस्लाम इसको मना करता है इस्लाम कहता है इंसानों के गुनाहों और गलतियों से दरगुजर को फाफू असफा माफ करो दरगुजर करो नजरअंदाज करो